जिस तरह थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग में गौर ने अपनी बेटी को रिजरेक्ट किया एटर्निटी से विश मांग के, क्या उसी तरह एटर्निटी से विश मांगे टोनी स्टार्क को भी वापस एमसीयू में लाया जा सकता है? अब हालांकि ये क्वेश्चन बहुत से फैंस के दिमाग में चल रहा है, तो आज अपन इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, क्या टोनी स्टार्क वापस आ सकता है एटर्निटी की हेल्प से, और थॉर लव एंड थंडर के अंदर जब स्टॉर्म ब्रेकर के अंदर फीलिंग्स थी वो चीजों को फील कर पा रहा था, वो एक लिविंग बींग की तरह बिहेव कर रहा था, तो फिर एंड गेम के फाइनल बैटल के अंदर जब थैनोस थॉर को मार रहा था उसी के स्टॉर्म ब्रेकर से, तब स्टॉर्म ब्रेकर ने कुछ क्यों नहीं किया? सांप को पाल रहा था। इसका भी एक लॉजिकल आंसर दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एटर्निटी के थ्रू टोनी को रेजरेक्ट कराया जा सकता है। इसको आंसर करने से पहले मैं तुम्हें थॉर लव एंड थंडर में एटर्निटी वाले कॉन्सेप्ट को वापस से रिमाइंड करा देता हूँ। तो बेसिकली एटर्निटी से अपनी विश पूरी कराने के लिए एक कंडीशन है, वो ये है कि सबसे पहले तुम्हें एटर्निटी तक पहुंचना होगा, उसका गेट खोलना होगा और फिर तुम उससे एक विश मांग सकते हो। तो ओवरऑल देखने में तो काफी सिंपल है कि हाँ भाई तुम जाओ एटर्निटी का गेट खोलो बाइफ्रॉस्ट के थ्रू और उससे विश मांग लो कि हमारी टोनी भैया को वापस रिजरेक्ट कर दो। तो इस सेंस में देखा जाए तो एटर्निटी टोनी को वापस ला सकती है, लेकिन एमसीयू में जो अभी इवेंट्स हो चुके हैं थॉर लव एंड थंडर के, उसके बाद जो पहली विश थी वो गॉड द गॉड बुचर ने तो रिडीम कर ली, तो मतलब अब कोई भी कैरेक्टर एटर्निटी से विश मांगने जाएगा भी तो उसकी विश कंप्लीट नहीं होगी। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से टोनी स्टार्क को एटर्निटी के थ्रू वापस नहीं लाया जा सकता। बट मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि एटर्निटी एक ऐसा पावरफुल बींग है जो कि कॉमिक्स के अंदर सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है, और एटर्निटी इंडिविजुअली इतना पावरफुल है कि टोनी स्टार्क तो छोड़ो, वो मार्वल कॉमिक्स के ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर को 50 बार रिजर्व सकता है। तो टोनी स्टार्क को एटर्निटी के थ्रू रिजर्व करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बस तुम्हें अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हालांकि अगर एमसीयू को कभी भी टोनी स्टार्क की जरूरत पड़ती है फ्यूचर में, तो पॉसिबिलिटीज की कमी नहीं है, मल्टीवर्स और कॉस्मिक लेवल बीइंग्स के साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है, तो टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को कभी भी वापस लाया जा सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है अपने केविन चचा के ऊपर। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की कि स्टॉर्म ब्रेकर अगर एक लिविंग बीइंग है तो फिर वो थॉर की हेल्प क्यों नहीं कर रहा था एंड गेम बैटल के अंदर जब थैनोस उसे मारने वाला था स्टॉर्म ब्रेकर से। अब देखो बात तो बिल्कुल सोचने वाली है, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर के अंदर ऑलमोस्ट पूरी मूवी में जो अपना स्टॉर्म ब्रेकर है वो एक जेलस गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूं, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो इसे साफ पता चलता है कि स्टॉर्म ब्रेकर के अंदर तो इमोशंस है भैया, वो एक तरह से लिविंग क्रिएचर है जो कि चीजों को सुन सकता है, महसूस कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि भाई अगर तुम लिविंग क्रिएचर हो तो फिर अपने मालिक की मदद क्यों नहीं कर रहे थे एंड गेम के टाइम पे? वैसे यहाँ पे थॉर जो है म्यूलनर को वापस से लेके आया था, तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर ने अपना बदला निकाला हो। खैर जोक सपाट, लॉजिकल बात करें तो देखो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि स्टॉर्म ब्रेकर भले एक लिविंग क्रिएचर है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, फीलिंग्स को फील कर सकता है, बट आई थिंक कि वो फिजिकली अपने आप से खुद को मूव नहीं कर सकता। अब जितनी बार भी तुमने देखा है स्टॉर्म ब्रेकर ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हो मूवी के अंदर, तो या तो वो बायफ्रॉस्ट गलत जहाँ पे खोल देता है या फिर बायफ्रॉस्ट के रास्ते में ही कुछ गड़बड़ कर देता है। जैसे इस सीन के अंदर जब थॉर कहता है मैं अभी बच्चों को ढूंढ के लाता हूँ और वहां से निकल जाता है, तब बायफ्रॉस्ट दूसरी जगह पे स्टॉर्म ब्रेकर खोलता है और वापस से उसे न्यू एसगार्ड में पटक देता है। अब इस बात पे तुम लोग एक क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो कि भाई इससे ठीक पहले जो सीन था वहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर तो खुद चल के आया था थॉर के पास। अब इसके रिप्लाई में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो थॉर का हाथ पहले से ही खुला हुआ है, अब भले ही वो म्यूलनर को बुला रहा था, लेकिन ये बात स्टॉर्म ब्रेकर को भी फील हुई कि थॉर किसी न किसी को सम्मान करना चाहता है, यानी कि थॉर ने उसे पहले बुलाया था। अब यहाँ पे हो भी सकता है कि मैं गलत हूँ, बट जब तक ऑफिशियल आंसर नहीं आता तो तुम्हें तो इस थ्योरी पे ही काम चलाना पड़ेगा ना। तो तुम अब मान सकते हो कि जो स्टॉर्म ब्रेकर है ना वो अपने आप को खुद से फिजिकली मूव नहीं कर सकता। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें एक और पॉइंट दूंगा, अगर स्टॉर्म ब्रेकर फिजिकली खुद को मूव कर सकता था तो वो गॉड द गॉड बुचर के पास से भागने की कोशिश क्यों नहीं करता? और इस सीन के अंदर तुम देखोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि स्टॉर्म ब्रेकर एक लिविंग क्रिएचर है, बस गॉर ने उसे पकड़ा, फोर्सफुली अपनी तरफ खींचा और उसे सरकाते हुए लेके चला गया। अगर स्टॉर्म ब्रेकर फिजिकली खुद को मूव कर सकता था तो वो यहाँ पे गॉर के अगेंस्ट जाता और एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कोशिश करता वहां से भागने का, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं। और शायद यही रीजन है कि एंड गेम के अंदर जब थैनोस थॉर की चेस्ट पे स्टॉर्म ब्रेकर रखा हुआ था तब स्टॉर्म ब्रेकर ने कुछ नहीं किया, एज वो फिजिकली खुद को मूव ही नहीं कर सकता। बाकी आपको क्या लगता है इन दोनों क्वेश्चंस को लेके, क्या मेरे आंसर्स वैलिड थे और क्या आपका कोई अलग ओपिनियन है इन दोनों क्वेश्चंस को लेके? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। MCU के अंदर अभी तक जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं उनमें कैसे दो अलग अलग यूनिवर्सेस को सेटअप किया गया है, एक अमेजिंग थ्योरी जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और कुछ रैंडम देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तब तक के लिए गुड बाय, जॉइन मार्वल डूड, बी या सुपर हीरो।